तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चीप प्रोटीन सोर्सेस के बारे में। हम सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रोटीन का इंटेक पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए तीन ऐसे प्रोटीन के सोर्सेस लेके आया हूं कि जिनका मे बी आपने कभी नाम भी ना सुना हो, और अगर आपने कभी सुना भी होगा तो आपने उसको प्रोटीन इनटेक के लिए कंसीडर नहीं किया होगा। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहली चीज है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है सोया चंक्स। अब मे बी आपने सोया चंक्स के बारे में ना सुना हो, या अगर आपने सुना भी है लेकिन आपने उसको प्रोटीन इनटेक के लिए कंसीडर नहीं किया होगा, तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सोया चंक्स के पर 100 ग्राम के अंदर 52 ग्राम ऑफ प्रोटीन है, विच इज माइंड बॉगलिंग। क्योंकि मैं और किसी खाने को नहीं जानता, ना चिकन के अंदर, ना फिश के अंदर, ना मीट के अंदर इतना परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होता है। लाइक इट्स मोर देन 52% है। लाइक अगर 100 ग्राम लिया जाए तो 52% बनता है कि प्योर प्रोटीन आपको मिल रही है उसके अंदर, विच इज वेरी हाई। और अगर आप इसकी प्राइस देखें तो इसकी प्राइस बहुत ही कम होती है, बहुत ही सस्ता आपको ये मिलता है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि आई एम नॉट श्योर कि ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वाइडली अवेलेबल है या नहीं है। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है वो है लाल लोबिया। अब एज अ सालन तो हम सभी ने खाया होता है लाल लोबिया, कि चावल के साथ, कभी रोटी के साथ, और टेस्टी भी बहुत होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने कभी लाल लोबिया को एज अ प्रोटीन सोर्स इनटेक नहीं रखा। आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं रखा। मैंने पर्सनली इस चीज को बहुत ज्यादा यूज किया, मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा लाल लोबिया खाया। और कंपेयर टू अगर आप और चीजें देखें चिकन के हिसाब से लाल लोबिया बहुत सस्ता है, लेकिन प्रोटीन के कंटेंट के लिहाज से ऑलमोस्ट चिकन के साथ ही वो लगता है। पर 100 ग्राम आपके पास 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है लाल लोबिया के अंदर, जबकि चिकन के अंदर मेरा ख्याल 26 या 27 ग्राम मिलता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन बहुत ही नेक एंड नेक है। ठीक है, 1-2 ग्राम का फर्क है और रिलेटिवली बहुत ज्यादा आपको चीप मिल जाता है लोबिया, बहुत ज्यादा वैरायटी अवेलेबल भी है। और ये भी मजे की बात है कि आप उसको काफी ज्यादा भी बना के रख सकते हैं और आप अलग अलग मील्स के अंदर डाल सकते हैं। आप ये किसी भी मील्स के अंदर आप मील प्रेप कर सकते हैं। आपके पास चावल है, आप साथ चिकन खा रहे हैं, आप थोड़ा लोबिया आपके पास उबला हुआ पड़ा हुआ आप डाल के उसको खा सकते हैं, या आप कुछ सैलड बना के खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनमें आप लाल लोबिया को डाल के आराम से आप उसको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। तो दैट वाज द सेकंड थिंग। तो यार लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पीनट बटर। अब बहुत से लोग पीनट बटर शोकिया खाते हैं, नॉट एज अ प्रोटीन इंटेक, लेकिन शोकिया बहुत ज्यादा लोग खाते हैं। तो अगर आप इसको अपने प्रोटीन इंटेक में भी कंसिडर करना चाहते हैं, खासतौर पर अपने बल्डिंग फेज के अंदर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ कैलोरीज एंड 25% ऑफ दोज कैलोरीज आर प्रोटीन। तो अगर आप 100 ग्राम ऑफ पीनट बटर लेते हैं तो आपको उसके अंदर 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है। अगर आप इसको मार्केट से खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये महंगा मिलेगा, लेकिन इसकी मजे की बात यह है कि आप इसको खुद भी बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। इसको कैरी करना बहुत इजी है। अगर आप इफ यू वांट अ स्नैक, या आप कहीं ऑफिस जाते हैं या फिर आप स्कूल जाते हैं, तो आप स्कूल के अंदर आप पीनट बटर सैंडविच बना के लेके जा सकते हैं, जिससे आपको आपका प्रोटीन भी मिल जाएगा और इट टेस्ट रियली गुड। आई मीन आई लाइक इट, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट आपको आपका प्रोटीन इंटेक भी मिल जाएगा और आप आराम से इसको कहीं कैरी कर सकते हैं। अगर आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं, वीकेंड्स पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं आप, तो आसानी से आप इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। अगर आप लोगों की वीडियो हेल्पफुल लगी है एंड आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, देन डू लाइक द वीडियो, क्योंकि इट हेल्प्स आउट द चैनल अलॉट एंड मेक्स मी वांट टू मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। इसके अलावा अगर आपको कोई पर्सनल सवाल है फिटनेस से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड बेस्ट टू माय एबिलिटीज मैं उनको जवाब भी दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। एंड आई गेस दैट वाज इट, एंड रिमेंबर स्टे फिट।